कोई 3 दशक पहले जब केंद्र में नरसिंह राव नेतृत्व कांग्रेस की सरकार थी तो इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले योग गुरु महेश योगी की ओर से एक प्रस्ताव आया था जिसमें यह वर्णित हुआ था कि लुटियंस जोन की कई महत्वपूर्ण इमारतों में वास्तु दोष है जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। कहते हैं महेश योगी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को यह सलाह दी थी कि ऐसी कई इमारतों को तोड़कर वास्तु के हिसाब से इसे नया बनाया जाना चाहिए, पर महेश योगी की यह बात आई गई हो गई, किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरी। पर वस्तु और वास्तु के आग्रहों और दुराग्रहों से नई भाजपा बच नहीं पाई है। सूत्र बताते हैं कि नई दिल्ली के चेहरे मोहरे बदलने की एक नई कवायद शुरू हो चुकी है जिसके तहत नई दिल्ली की कई महत्वपूर्ण इमारतों को रीडेवलप किया जाएगा, जिसके तहत शास्त्री भवन, वायु सेना भवन, रेल भवन, निर्माण भवन से लेकर संसद भवन तक के चेहरे मोहरे को बदला जा सकता है। संसद भवन का नवनिर्माण कार्य मात्र 2 वर्षों की रिकॉर्ड अवधि यानी 2022 तक पूरा हो सकता है, तो बाकी भवनों के निर्माण कार्य 2024 तक पूरे होने की संभावना है। नया प्रधानमंत्री आवास राष्ट्रपति भवन के दक्षिण में बन सकता है। मौजूदा पीएम आवास 7 रेस कोर्स अथवा 7 लोक कल्याण मार्ग तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1984 में अपने लिए तैयार करवाया था। कहते हैं विज्ञान भवन तक में कुछ ढांचागत बदलाव किए जा सकते हैं। नया उपराष्ट्रपति निवास भी मौलाना आजाद रोड से शिफ्ट होकर राष्ट्रपति भवन के आसपास आ सकता है। संसद भवन की क्षमता भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। सरकार की योजना इन सभी महत्वपूर्ण भवनों को भूमिगत मेट्रो से जोड़ने की भी है। कार प्रगति पर है और उम्मीदें उफान पर। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।